पहले जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। जांजगीर चांपा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब पीने से 3 युवकों की मौत हो चुकी है। अकलतरा के परसाही बाना की पूरी घटना, जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाइयों की मौत होना अभी तक स्पष्ट हो पाया। 5 महीने में शराब से मौत का ये तीसरा मामला सामने आ रहा है। जिले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अकलतरा पुलिस मामले की जांच की बात इस बार भी कह रही है। पहले भी इस तरह की घटनाएं आप देख रहे होंगे। जांजगीर चांपा में जहरीली शराब का कहर एक बार फिर से आप देखें कि जहरीली शराब पीने से 3 युवकों की मौत हो गई। परसाही बना की पूरी घटना, जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाइयों की मौत होना अभी तक स्पष्ट हो पाया। 5 महीने में शराब से मौत की तीसरी घटना, इसके बावजूद अभी तक कोई सख्ती से कार्रवाई करने वाला नहीं है। जिले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अकलतरा पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। जहरीली शराब पीने से मौत का एक और मामला जांजगीर चांपा से सामने आया। तो 5 महीने में जहरीली शराब पीने से मौत की यह तीसरी घटना है और इसी के चलते हालात यहां पर चिंताजनक होते जा रहे हैं। कार्रवाई क्यों अभी तक नहीं हो पाई है, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्यों इस तरह की लापरवाही लगातार निकलकर सामने आ रही है, इस पर भी संशय की स्थिति जांच का विषय है। लेकिन सख्त कार्रवाई या सख्ती से जांच करने वाला शायद कोई जिम्मेदार यहां नहीं देखता। अकलतरा की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 मामले ऐसे ही सामने आ चुके हैं। सही युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? देखिए अमेरिका, ये अकलतरा थाना क्षेत्र के परसाई बाना की ये घटना है। 2 सगे भाइयों की अब तक जो मौत हुई है, कुल मौत है अगर हम बात करें तो 3 मौत की खबरें अभी तक आ रही हैं। और बीते 5 महीने में 8 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें जहरीली शराब पीने के मामले हैं वो प्रकाश में आए हैं। और इसको लेकर के जब प्रदेश में जो सियासी बवाल है वो मचा। जो मृतक है संजय कुमार है, संत कुमार सांडे है और जितेंद्र कुमार सोलकन, ये 3 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है। अकलतरा पुलिस है, पूरे मामले की जांच है ये कर रही है और जहरीली शराब पीने से इसकी मौत की वजह बताई जा रही है। और इसके बाद गंभीर हालत में बिलासपुर सिर्फ रेफर किया गया था। तो ये पूरा मामला है और इससे पहले भी 3 जो मामले हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब आखिर पुलिस को इस दिशा में गहनता से जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसे मामले बार बार क्यों आ रहे हैं। तो ये शराब की वजह है या अन्य वजह है, इसका खुलासा फिलहाल अब पुलिस के जांच के बाद हो पाएगी। लेकिन अभी 3 की मौत है वो हुई है। ये युगल, ये भी बताइएगा, इस घटना का रिपीटेशन इस तरह से अगर लगातार होता आ रहा है तो क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं अभी तक? देखिए, अभी हाल ही में जो 2 लोगों की, एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई थी, उसमें जो है शराब में कुछ मिला करके पिलाने की बात पुलिस ने पुष्टि की, उस पर गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन अब ऐसे मामले बार बार अगर प्रकाश में आ रहे हैं तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी जो मामले आए थे जिसमें एक जवान भी जो की मौत हुई थी, तो अब देखना होगा कि पुलिस या जांजगीर पुलिस है इस दिशा में किस तरह से कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले का खुलासा आखिर होता क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 3 लोगों की मौत है, काफी गंभीर विषय है, चुनावी वर्ष है और ऐसे में विपक्ष को सवाल खड़े करने का भी मौका मिलता है। देखना होगा कि आने वाले समय में अब किस तरह की इस पर कार्रवाई हो पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ ने बागरी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। 2013 से 18 तक बीजेपी से महेंद्र बागरी विधायक रह चुके हैं। पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा से महेंद्र बागरी विधायक रह चुके हैं और इस दौरान बीजेपी को एक बड़ा झटका एक बार फिर से लगता हुआ। बीजेपी के लिए अब लगातार इस तरह की खबरें सामने आने लगी हैं जो कि चिंता बढ़ा देने वाली है। पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। 2013 से 18 तक बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। लेकिन चूंकि चुनावी साल भी आप कह सकते हैं, इस तरह की गतिविधियां आम होती हैं। तमाम नेताओं के दल बदल का दौर एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ। बीजेपी से पूर्व विधायक महेंद्र बागरी कांग्रेस का दामन अब थाम चुके हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली है।
तो बीजेपी को ये बड़ा झटका लगता हुआ। और सीधे आपको ओरछा लिए चलते हैं, यहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन है। एक तरफ रामराजा लोक का भूमि पूजन मुख्यमंत्री यहां कर चुके हैं और साथ ही साथ लाडली बहनाओं के लिए भी खास सम्मेलन का आयोजन। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिला पंचायत निवाड़ी श्रीमती निरंजना अनिल जैन जी, जनपद अध्यक्ष निवाड़ी हमारे साथ यहाँ पर होंगे। साथी होंगे श्री वीरेंद्र राणा जी, जिला प्रभारी निवाड़ी, श्री मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, संभाग प्रभारी हमारे साथ होंगे, श्री अखिलेश अयाची जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, माननीय श्री राहुल लोधी जी, मंत्री